आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर एथर कंपनी ने नए स्कूटर लॉन्च किया अपने जनरेशन 3 के, एथर 50 प्लस और एथर 50 एक्स। तो अब बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि भैया इतने महंगे स्कूटर लेने से अच्छा कोई सस्ता स्कूटर हो इसी रेंज के बराबर, क्योंकि एथर 50 एक्स की जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है अब 1,16,000 से लेकर 1,40,000 तक जाती है, जो कि शोरूम प्राइस। और इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर तक की है। मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको एथर 50 एक्स कॉम्पिटिशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कम कीमत में सेम रेंज प्रोवाइड करते हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे, कम तो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, जो कि कंपनी खुद भी क्लेम करती है। तो अगर आप लोग भी सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे थे अच्छी रेंज वाला और सब्सिडी के साथ, तो भैया ये वीडियो पूरी एंड देना। इस वीडियो में कुछ ऐसे स्कूटर लेके आया हूँ, 5 स्कूटर हैं जो कम बजट में अच्छी रेंज प्रोवाइड कराते हैं आपको 150 किलोमीटर के आसपास की। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले जो आपको लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसे तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लाने में काफी मेहनत लगती है, तो मेहनत का फल मिलना चाहिए, सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। इसलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला स्कूटर है वह है निज ऑटोमोटिव का SLRO R14। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 49,700 रुपये से स्टार्ट होती है और जाती है मैक्सिमम 73,300 रुपये तक। इसके आपको 2 वेरियंट और 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको 250 वोल्ट की मोटर मिल जाती है और निज ऑटोमोटिव SLRO R14 इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा और सिंगल चार्ज पे आपको 180 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करा सकता है, कंपनी क्लेम करती है। तो जो अगला स्कूटर है वो है हीरो इलेक्ट्रिक का NYX HX। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग कम बजट में ज़्यादा रेंज वाला स्कूटर देख रहे हो। तो इसकी बैटरी रेंज को लेकर कंपनी का दावा है, मतलब हीरो इलेक्ट्रिक का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 210 किलोमीटर की आपको रेंज देगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर को 600 से 1300 वाट की मोटर से पावर दी जाती है, जो कि 3 लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी हुई है। ये स्कूटर 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। स्कूटर के इस्तेमाल के लिहाज से हीरो इलेक्ट्रिक इसमें 4 लेवल के स्मार्टफोन कनेक्टिविटी देता है, जिसमें ब्लूटूथ इंटरफेस से लेकर टॉप ऑफ द लाइन रिमोट सर्विलेंस यानी स्कूटर को ट्रैक करने की फैसिलिटी है, और इसके साथ ही डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन भी शामिल है। हीरो के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कराना है तो कंपनी ही करके देगी। स्कूटर को कस्टमाइज कराने के लिए आइस बॉक्स, स्प्लिट सीट जैसे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कंपनी की तरफ से ही। हीरो इलेक्ट्रिक के इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर की है और इसके अंदर 1.5 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ आता है। हीरो इलेक्ट्रिक NYX HX के टॉप मॉडल की जो कीमत है, मतलब टॉप मॉडल बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैक्सिमम, वह है 74,990 रुपये। मतलब अगर आप लोग इसका बेस मॉडल लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। ये टॉप मॉडल की प्राइस थी जो कि शोरूम प्राइस है। तो जो अगला स्कूटर है वह है ओला SN Pro। ओला SN Pro इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है। इसकी जो औसत कीमत है, मतलब एवरेज प्राइस है, वो 1,37,000 रुपये, जो अब बढ़ गई है। इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है 6.5 घंटे के अंदर और कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज पे आपको 181 किलोमीटर तक की रेंज देता है। और इसके अंदर आपको कई सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर राइडिंग मोड। तो जो अगला स्कूटर है वो है ओडिसी इलेक्ट्रिक हॉक। ओडिसी इलेक्ट्रिक हॉक एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो 73,999 रुपये है और ये जाती है अप टू द 1,15,000 तक। इसके अंदर आपको 2 वेरियंट और 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं और इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 घंटे समय लगता है। ओडिसी इलेक्ट्रिक हॉक को सिंगल चार्ज पर आप लोग 70 किलोमीटर तक चला सकते हो बड़े आराम से। तो जो अगला स्कूटर है वह ओकिनावा का OK90। ओकिनावा देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड में से एक है। ओकिनावा OK90 कंपनी का शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसकी जो रेंज है वो 160 से 200 किलोमीटर तक जाती है और मार्केट के अंदर जो इसके प्राइस है वो 1,22,000 रुपये है। और ओकिनावा OK90 के आपको 1 वेरियंट और 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। और अगर आप लोगों को इन सभी वेरियंट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने सभी के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई मेरे चैनल पर रखी हुई है, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो कि निज ऑटोमोटिव के स्कूटर कौन से हैं, ओकिनावा OK90 के अंदर क्या मिलता है, ओडिसी इलेक्ट्रिक हॉक के अंदर क्या मिलता है, ओला SN Pro के अंदर क्या मिलता है, ऑप्टिमा NYX HS के अंदर क्या मिलता है। मैंने सबके बारे में डिटेल रिव्यू किया हुआ है, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हो। तो ये वीडियो ये थी जो एथर एनर्जी ने 50X जनरेशन 3 मॉडल लॉन्च किया है, उसके कंपटीशन में कौन कौन से स्कूटर आते हैं, सस्ते आते हैं और रेंज भी उससे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी लेना है तो भैया आप ले सकते हो, सस्ते में आपको अच्छी रेंज प्रोवाइड कराएं सारे के सारे स्कूटर। और अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर करते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करना, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।